बहुत सारे सवालों के गुरुदेव आपके पास से जवाब मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मध्यम वर्गीय लोग हैं कि जिनको काफ़ी मंत्र गिनने के बाद, काफ़ी प्रयोग करने के बाद भी नौकरी मिल नहीं रही है। जॉब के लिए ऐसा क्या करेंगे जिससे अपनी जीवन व्यवस्था, परिवार व्यवस्था अच्छी तरह से चलती रहे? तो नौकरी के लिए कुछ ऐसे रत्न है, स्टोन है, औषधि है, या ऐसा कुछ मेडिटेशन है जिससे आकर्षण बढ़े और जल्दी से जल्दी योग्य नौकरी मिले या नौकरी में प्रमोशन हो, उसके लिए गुरुदेव आप मार्गदर्शन करें। नौकरी के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी बिकती नहीं है वह भी बड़ा प्रश्न है, उसके लिए बताओ तो भी आपको एक ही मंत्र गिनना है, ओम ह्रीम श्रीम मुनि सुव्रत शनि देवाय नमः, यह श्रेष्ठ मंत्र है। और साथ साथ एक मंत्र ऐसा भी है जिसमें शनि का, राहु का और केतु का भी साथ में मंत्र आ जाता है, तीनों ग्रह की शांति शांत हो जाती है, शांति मिलती है। उसके लिए ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहूणम, ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहूणम, शनिवार के दिन 11 माला अवश्य गिने। और शनि के जो कुछ जाए, शनि मुनीश्वर स्वामी मंदिर जी में जाए, मुनीश्वर स्वामी जी को काले उड़द चढ़ाए, मुनीश्वर स्वामी जी के दर्शन करे, मुनीश्वर स्वामी जी की पूजा करे, डमरो मरवो जो बोलते वो चढ़ा सकते हैं। साथ में आपको मुनीश्वर स्वामी की अष्टप्रकारी पूजा, प्रक्षाल पूजा, और आपको दाढ़िम वगैरह, यह फल सोपारी वगैरह या तो श्रीफल वगैरह जो रखा जाए तो जरूर यह शनिग्रह की शांति होती है। और शनिग्रह की शांति होने के वजह आपको नौकरी में शांति मिलेगी। और साथ साथ आपका मकान मिलकत वगैरह बिकता न हो तो उसके लिए मंगल ग्रह बड़ा प्रभावशाली है, तो उसके लिए ओम ह्रीम श्रीम वासुपूज्य मंगलाय नमः, इसका जाप सदा करते रहेंगे तो अवश्य में आपका जो मकान मिलकत बिकता नहीं है या उसकी परेशानियां हैं तो उसके लिए यह जाप करें। लेकिन एक बात बता दूँ, कोई सरकारी परेशानियां हो, सरकारी दफ्तर के द्वारा कोई परेशानी होती हो तो ओम ह्रीम श्रीम पद्म प्रभ सूर्याय नमः, यानि GST का प्रॉब्लम भी आ जाए, ऐसे कोई भी आ जाए तो आपको ओम ह्रीम श्रीम सुपद्म प्रभ सूर्याय नमः इसका मंत्र जाप भी आप कर सकते हो। पुण्यशाली आत्मन, इस तरह आपके लिए एक बात और बता दूं जी गुरुदेव, कोई कहेगा कि महाराज जी आप अलग अलग मंत्र बता रहे हो, ऐसा करो ना महाराज जी, समय कम है मेरे पास, तो एक मंत्र छोटा सा बता दो कि सारे नवग्रह की शांति उसमें आ जाए। हाँ हाँ हाँ, क्या नहीं है ये जैन शासन में, क्या नहीं है जैन शासन में, क्या नहीं है ये जैन शास्त्रों में, कहाँ नहीं है, सब आगम शास्त्र में अपने यहाँ पर लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो चाहिए उसके लिए मंत्र तो मैं दे देता हूँ, नोट्स कर लो आप, ओम ह्रीम असियाऊषा नमः, ओम ह्रीम असियाऊषा नमः, यह नवग्रह की शांति का सबसे छोटा मंत्र है। पुण्यशाली आत्मन, आप अपने जीवन में जो जैन धर्म के हिसाब से आपको मंत्रों बताए गए हैं और आपको कुछ तंत्र वगैरह भी बताए गए, पुण्यशाली आत्मन आप जैन धर्म के अनुसार यह अनुष्ठान करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमें गुरुदेव सचमुच शांति मिली, सचमुच आनंद मिला, सचमुच संतोष की अनुभूति हुई। बस आज इतना ही।